वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। ये वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरे साथ इस वक्त है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन BS6 को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं इसको हिमालयाज में ले आया हूँ। मैं इस वक्त हूँ शिमला के पास। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन की बिल्ड क्वालिटी पे और ये कैसी दिखती है बाइक। तो अगर आप देखोगे इसको तो इस बाइक की जो बिल्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फील करवाती है। इसको देख के ऐसे लगता है कि इफ यू आर ऑलरेडी इन एक्शन। तो ये टोटली एक्शन बाइक है। और एक इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये बाइक बनी थी स्टार्टिंग डेज में, अपने अर्ली डेज में, तो इस बाइक को एक डिजास्टर बोला गया था रॉयल एनफील्ड का, ये क्या बकवास बना दी है, क्या बाइक बना दी है। लेकिन इस बाइक ने अपने आप को इतना अच्छा अपग्रेड किया है। इट्स अ प्योर क्लास, इट्स अ प्योर एग्जांपल ऑफ हाउ इंजीनियरिंग वर्क्स एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मशीन। एंड एडवेंचर के लिए इससे ऊपर कोई मशीन है ही नहीं। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही स्ट्रांग है, टॉप नॉच। रॉयल एनफील्ड ने एक एक बारीकी के ऊपर काम किया है, चाहे वो इसका टैंक हो, चाहे इसके साइड हो, चाहे एग्जॉस्ट हो। इसकी जो एबिलिटी है इस बाइक की वो बियॉन्ड वर्ड्स है। जैसे ही रफ स्टार्ट होता है, रफ पैचेस स्टार्ट होते हैं, इस बाइक का असली करेक्टर सामने आता है। तो ये मशीन है क्या? हमारे पास BS6 हिमालयन खड़ी है, तो ये मशीन ऑफर क्या कर रही है? तो लेट मी टेल यू, दिस इज टोटली एयर कूल्ड इंजन, 411cc का वही इंजन है, वही इसकी ऑलमोस्ट सेम पावर स्पेक्स हैं। BS6 कंप्लायंट किया गया है। पॉइंट्स के अंदर इसकी पावर ड्रॉप हुई है लेकिन आपको बिल्कुल भी फील नहीं होती। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि इसका इंजन और ज़्यादा स्मूथ हो गया है पहले से। मार्क माय लाइंस, इसका इंजन और ज़्यादा स्मूथ हो गया है, आपको मज़ा आएगा इसको रेव करके। 28 BHP इसकी पावर है और 32 Nm का टॉर्क है। बहुत ही टॉर्की मोटर है इसकी और टॉर्क आपको इनिशियल फर्स्ट गियर्स में ही फील होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप इस पे बैठेंगे, चलाएंगे, यू विल फील पावर, यू विल फील मोर पावर। और ये आपको इंगेज करती है ये बाइक पावर और टॉर्क के मामले में। अगर आप हाईवे पे हो तो आप इसको क्रूज ही करते रहोगे और कहीं पे भी आपको लैगिंग फील नहीं होगी। बात करते हैं अब इसके डिजाइन एलिमेंट्स पे कि ये हमें क्या, इसके डिजाइन में क्या क्या चीजें ऑफर होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की और वो है इसकी सीट। और हमें मालूम ही है कि हिमालयन जो बनाई है वो लो सीट, लेकिन वैसे ये देखने में हाई सीट लगती है, लेकिन ये लो सीट ही है। जो इसका मेन, जो इसकी मेन सीट है वो लो ही है। 800 mm है वैसे ये सीट, लेकिन ये सफिशियंट है 5'8" से लेके 6' तक आराम के साथ आप इस पर किसी भी हाइट पे आप इसको चला सकते हो। बहुत छोटी हाइट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करती है। और इसकी जो सीट है वो बहुत अच्छी सीट है, मतलब ये नरम भी है और ये, मतलब इसको हम हार्ड सीट तो नहीं बोलेंगे, कुशन्ड सीट है। और टूर में ये आपको बिल्कुल आराम से रखेगी, आपको कहीं से भी पेन फील नहीं होने वाली। आप अप टू 150 किलोमीटर्स बड़े आराम से चल सकते हो, क्रूज कर सकते हो 80-100 की स्पीड पे। उसके बाद हमारे पास सामने ये टैंक आता है, तो टैंक वैसा ही है, थोड़ा सा शेप के अंदर चेंज किया गया है। जो BS4 के एलिमेंट्स थे टैंक के, वो थोड़े से अंदर की तरफ थे, इसको थोड़ा सा वाइड किया गया है फ्रंट से, अदरवाइज टैंक सेम है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, टोटल मेटल है, ये टोटल मेटल मशीन है, हैवी मशीन है, अप टू 200 kg इसका वेट है। तो जो वेट को हैंडल करना है उसके लिए थोड़ा सा एबिलिटी अपनी इंक्रीज करनी होगी इसकी बाइक को हैंडल करने में। जब आप छोटे मोटे टूटे फूटे रस्तों से जाओगे तो वहाँ पे थोड़ी सी इसकी ट्रेनिंग होनी बड़ी ज़रूरी है। हमारे पास जो इसकी हैंडल बार है, अगर आप देखोगे ना तो ये हैंडल बार बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसा लगेगा कि सीधी रॉड ही है ये, और चौड़ी सी रॉड है, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ। जो इसके इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे राइट लेफ्ट में, और ये वाले जो हमारे पास इंजन इग्निशन ऑन के और हजार्ड स्विच के ऑन के, और इस तरफ देखा जाए तो लो बीम, हाई बीम इंडिकेटर्स, हॉर्न, जो पासिंग लाइट्स हैं। तो इन सब की क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लेवल तो नहीं है, लेकिन अच्छी है इसकी ये क्वालिटी भी। और हमें जो इस बार कंसोल मिलता है, जो मेजर चेंज है इसके अंदर, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर।
अगर आपने पुरानी हिमालयन देखी है तो आप देखते ही समझ जाओगे कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। सबसे पहला तो ये वाला जो टाइल पहले होता था वो अब चेंज हो गया, यहाँ पे एक बड़ा सा कंपास होता था वो अब नहीं है और उसकी जगह डिजिटल कंपास दिया गया है। यहाँ पे देखिए वो साउथ की डायरेक्शन दी हुई है, मेरे बैक साइड पे साउथ है, तो दिस इज अ गुड थिंग। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ट्रिपर मीटर है जो रॉयल एनफील्ड का ठीक मिट्योर वाला ही है, तो मिट्योर के अंदर भी सेम चीज दी हुई है जो अब इसके अंदर इंस्टॉल करी गई है। उसके अलावा जो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें हमें इस वाली सेक्शन में सेमी डिजिटल स्क्रीन मिल जाएगी, जहाँ पे हमारा यहाँ पे जो टैकोमीटर है दैट इज इन एनालॉग टाइप, और उसके नीचे अगर आप देखो ये छोटी सी स्क्रीन है, दिस इज डिजिटल स्क्रीन, और इसके अंदर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रिप्स हैं, ट्रिप वन, ट्रिप टू, कितने किलोमीटर चल चुकी है आपकी मशीन वो भी दिख जाएगी, और कौन से गियर में ये आप चल रहे हो वो भी दिख जाएगा। इस टाइम पे यहाँ दिख रहा है जीरो, बाइक इज इन न्यूट्रल गियर, और NB है, हैजर्ड लाइट्स ऑन है, और यहाँ पे आपको बैटरी का सिग्नल भी मिल जाएगा। और इसके साथ बहुत ही अच्छी चीज़ जो दी है वो है यहाँ पे ABS स्विच ऑन की जो इसके अंदर एबिलिटी है, आप ABS को ऑन भी कर सकते हो और स्विच ऑफ भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रोड कंडीशंस, आप किस कंडीशंस पे जा रहे हो। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस डिजिटल स्क्रीन में यहाँ पे नीचे एक छोटा सी लिखा हुआ है साइड स्टैंड, इट मीन्स कि यहाँ पे जो सेफ्टी का ध्यान रखा गया है साइड स्टैंड आपका लगा हुआ है। साइड स्टैंड अगर होगी आपकी बाइक तो वो ऑन नहीं होगी, ऑन नहीं होगी तो आपको मालूम पता चल जाएगा कि आपकी आपका साइड स्टैंड हटाने को है, आप उसको हटाओगे तभी आपकी ये मशीन ऑन होगी। इसके अलावा अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा टेम्परेचर, आपको दिख जाएगा कि आउटसाइड पे इस वक्त एटमोस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, टाइम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इस साइड ये वाले छोटे से बॉक्स में आपको फ्यूल गेज आपको दिखेगी कि आपका फ्यूल कितना है, और मैं आपको इतना श्योर करता हूं कि इस बार जो फ्यूल गेज है वो काफी एक्यूरेट है, तो आपको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इस डेफिनेटली इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को लाइक करने वाले हैं। हेडलाइट्स के अंदर सेम अरेंजमेंट है और आपको सेम हेलोजन लाइट्स मिलेंगी, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी चेंज की है, वो क्या की है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे मेरी जो मैंने कीज है वो मैंने ऑन स्टेट पे रखा है, तो आप देखोगे कि पूरी जो हेलोजन लाइट है पूरी हेलोजन लाइट नहीं ऑन हुई है, यहाँ पे छोटी सी नीचे LED लाइट ऑन है, इट मीन्स कि जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा अगर आप देखोगे तो उसके बाद ही ये ऑन होगी पूरी की पूरी लाइट, राइट। तो बाइक के अंदर इसमें हेलोजन टाइप के ही इंडिकेटर्स मिलेंगे, इस वक्त मैंने हजार लाइट्स ऑन करी हुई हैं, तो ये हजार लाइट्स भी जो हैं वो बेसिकली टर्न इंडिकेटर्स ही हैं और वो भी हेलोजन के हैं और बहुत अच्छी लगती है। बैक प्रोफाइल की अगर बात करें तो टिपिकल हिमालयन लुक मिलेगा बैक प्रोफाइल का, मुझे इसकी हिमालयन की जो बैक प्रोफाइल है वो मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, तो ओवरऑल लुक में कुछ खास ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अपीलिंग लगती है रोड पे, और ऑफ रोड में तो इसका कोई सानी है ही नहीं। और चलिए अब बात करते हैं हिमालयन के टायर सेक्शन पे और इसकी ब्रेक असेंबली पे कि किस तरह के इसके अंदर हमें टायर्स ऑफर होते हैं। और फ्रंट में अगर आप देखोगे तो सीएट की ऑफरिंग हुई है, ऑफ रोडिंग टायर्स हैं और इसका साइज है 90x90 21 इंचेस के जो ये सीएट के टायर्स हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव हैं अगर आप देखोगे तो। अगर आप इसकी कटिंग देख रहे हो ना तो ये स्पेशली डिजाइन फॉर ऑफ रोडिंग है, बहुत मजा देते हैं यार ये टायर्स। और उसके साथ फ्रंट में आपको बहुत बड़ी डिस्क मिल जाएगी, तो डिस्क के साथ अगर आप देखोगे तो ABS की कटिंग्स भी हैं। ये डिस्क कितने साइज का है वो अभी मैं आपको आपकी स्क्रीन में आप पढ़ सकते हो। और ठीक इसके अगर आप रियर साइड में देखोगे तो रियर साइड में भी सीएट का ऑफ रोडिंग टाइप का ही टायर मिलेगा, और इसका जो साइज है दैट इज 120x90x17 17 इंच का, आपको रियर प्रोफाइल रियर साइड में आपको 17 इंच का सीएट का टायर मिलेगा, और फ्रंट और रियर में दोनों ही टायर स्पोक्स टायर्स हैं। और यार ये जो स्पोक्स टायर्स है ना ये ऑफ रोडिंग हिमालयन के अंदर क्या लगते हैं, आपको मजा आएगा इसको देख के। बैक साइड में भी आपको ABS मिलेगा और ये स्विचेबल ABS है, आप इसको स्विच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रोड कंडीशंस। फ्रंट के अंदर हिमालयन के अंदर इतनी बड़ी सी है जो यार सस्पेंशन मिलती है ना, और इस सस्पेंशन का जो रोल है ट्रमेंडस, ये सस्पेंशन की स्पेसिफिकेशंस में आप भी आप अपने डिस्प्ले में देख सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव सस्पेंशन है यार ये, अमेजिंग। और इसके ऊपर ये जो कवर दिया हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसका फायदा ये होता है कि जब आप ऑफ रोडिंग करते हो मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, तो इसके अंदर जो आपका जो पिस्टन की जो मूवमेंट होती है ना, तो वो क्या होता है कि मिट्टी उसकी चिपक जाती है, तो ये उसको प्रिवेंट करता है, तो दिस इज अ गार्ड ऑफ दिस सस्पेंशन, बहुत मस्त लगता है।
वो सस्पेंशन अगर आप नीचे देखोगे तो एक छोटी सी कॉइल दिखेगी आपको, वो एक सिंगल स्प्रिंग है, वो इस बॉडी का, इस पूरे आपकी पूरी बाइक का पूरा जो आप बोल सकते हो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस बाइक की, पूरी शॉक जितना भी ऑब्जॉर्व करता है वो स्प्रिंग करता है। और यार क्या इसका आउटपुट है, अमेजिंग, बहुत अच्छी सस्पेंशन है इस बाइक की। तो चलिए अब जरा थोड़ा सा एक्शन करते हैं और इस बाइक को चलाते हैं। No coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. So insane, jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.